वेलकम टू माय न्यू कुकिंग ब्लॉग। आज हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से जल्दी बनने वाला पापड़ी चाट। पापड़ी चाट बनाने के लिए हम मटर को रात भर पानी में फुलाए थे। अब इसमें एक टमाटर, एक आलू और दो प्याज को काट कर लेंगे। पानी डालेंगे, पानी इतना डालेंगे ताकि ये सब कुछ डूब जाए। आधा चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और तीन सीटी आने तक इसको कुक कर लेंगे। तीन सीटी के बाद देखेंगे मटर हमारा गल गया है। अब इसका मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई में दो चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच जीरा, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और हींग डालेंगे। अदरक मिर्च को कूट कर डालेंगे। जब मसाला भून जाए तब इसमें बॉयल किया हुआ मटर डालेंगे और अच्छे से पका लेंगे। ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश करेंगे। ये देखिए मटर का घुघनी बन गया है। अब पापड़ी बना लेते हैं। पापड़ी बनाने के लिए एक कटोरी मैदा लेंगे, उसमें अजवाइन थोड़ा सा, स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच घी लेंगे। घी की जगह आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। और इसका एक डो लगा लेंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलकर भी पापड़ी बना सकते हैं। यहाँ पर हम एक बड़ी सी रोटी बेल लिए हैं, स्लैब पे ही बेल लिए हैं हम। अब इसको ढक्कन से कट करेंगे। इसको हमने फॉक से छेद कर दिया है ताकि जाके फूले ना। देखिए एक बार में कितना सारा पापड़ी बन गया है। पापड़ी को छानने के लिए तेल ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही तेल को रखेंगे। अब चलिए प्लेटिंग करते हैं। पापड़ी को दही में, हरी चटनी में और इमली की चटनी में डिप कर करके प्लेट में लगाएंगे। इससे स्वाद और भी अच्छा आएगा। आप चाहें तो सिंपल छोले के ऊपर दही डालकर भी खा सकते हैं, बट यहाँ पर हम पापड़ी के ऊपर डाल रहे हैं। दही डालेंगे, हरी चटनी, हरी चटनी थी बहुत ज़्यादा तीखी है और ये जो इमली की चटनी है ना, ये खट्टी मीठी है। ये चाट को और भी स्वादिष्ट बनाता है। ऊपर से दो पापड़ी को तोड़कर डाल देंगे, सेव भुजिया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।